बादल सुन ना, तेरे को कुछ पता चला क्या? अरे क्या हो गया मलिक भाई? करीने वालों ने एक अपडेट लाया है, वो भी स्पेशल सिर्फ तेरे लिए। ऐसा कौन सा अपडेट है जो सिर्फ मेरे लिए आया है? अरे तेरे को पता नहीं, सेंसिटिविटी को पूरा चेंज कर दिया गया है। जहाँ पे पहले हम लोग अपने जनरल को 100 करके खेल पाते थे, अब हम लोग 200 करके खेल पाएंगे। और सिर्फ जनरल नहीं, सभी सेंसिटिविटी को 200 कर पाएंगे। हाँ हाँ ये तो है ही, लेकिन ये सेटिंग सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना है। अरे तेरे लिए ही है। और वो कैसे? देख, तू 100 सेंसिटिविटी करने के बाद भी हेड नहीं मार पाता, करीने वालों ने रहम खाकर सेंसिटिविटी 200 कर दी। हाँ हाँ सही समझा, मतलब ये अपडेट सिर्फ तुम जैसे नोबड़ों के लिए ही है। एक होते हैं डेवलपर्स और एक होते हैं महान डेवलपर्स, और उसके बाद आते हैं हमारे गरीना वाले। नहीं मतलब भाई, कुछ पालना ही है तो सुअर पाल लो, लेकिन ये वह मत पालो कि नेक्स्ट अपडेट में हमारा गेम और भी अच्छा हो जाए। क्योंकि आज तो आ गया न्यू ओबी अपडेट, और ओबी अपडेट मतलब नया भसड़। अच्छा? हाँ हाँ, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था जब लोग अपनी सेंसिटिविटी 1 से लेकर 100 के बीच में ढूंढ रहे होते थे, लेकिन अब तो कुछ अलग ही हिसाब हो गया है। 120 सेंसिटिविटी रखे, 140 रखे, 160 रखे, कि 190 रखे, या फिर सीधा 200 ही करते। पहले ही इतना मुश्किल हो रहा था 1 से 100 के बीच में सेंसिटिविटी ढूंढना, इन लोगों ने 200 करके इस को और ज्यादा हार्ड कर दिया। अब एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढना इतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि हाथी को चड्डी पहनाना। ना ना, टेंशन नहीं लेने का। अरे बिल्कुल भी नहीं लेने का यार, क्योंकि मैं हूँ ना भाई, मैं बताऊंगा तुम लोगों को परफेक्ट सेंसिटिविटी। हाँ मुन्ना, ना ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं अंदाजे से कुछ भी बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह बच्चों को उल्लू बनाने के लिए नहीं बैठा, जो भी बोलूंगा फैक्ट्स के आधार पे बोलूंगा। आज का ये लंबा इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। देखो लोंडो, पहले हम लोगों को कुछ चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा, जैसे कि क्या सच में ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ा देने से ज्यादा हेडशॉट्स लगेंगे, सेंसिटिविटी के 200 होने से लो एंड डिवाइस जैसे कि 2 से 4 GB रैम वालों को ज्यादा फायदा होगा, या फिर हाई एंड डिवाइस वालों को ज्यादा फायदा होगा। और लास्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोगों को एक्चुअली में कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिए। और अब तो सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो क्या हम लोगों को डीपीआई का यूज करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो डीपीआई के साथ कितना सेंसिटिविटी रखा जाए। देखो मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता हूं, साफ साफ क्लियर बोलूंगा। बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, सेंसिटिविटी को ज्यादा बढ़ाने से ज्यादा हेडशॉट्स लगेंगे। सुनने में ये थोड़ा लॉजिकल लगता भी है और नहीं भी लगता है, तो इस चीज को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। मान लो कि एक बंदा जिम जाता है और उसका वो पहला दिन है, तो क्या वो जाके सीधा 50 का डंबल मारने लग जाएगा, मतलब 50 केजी सीधा उठाने लग जाएगा? उठा ही नहीं पाएगा भाई। ठीक उसी तरह से सेंसिटिविटी भी है, आप लोगों को उतनी ही बढ़ानी है जितनी आप लोगों से कंट्रोल हो सके। अब वो जो जिम जाने वाला बंदा था, वो पहला दिन जाएगा तो वो 5 केजी ही मार पाएगा, लेकिन अगर वो रेगुलर जाता है तो वो कभी 10 केजी मारेगा, उसके बाद 15 मारेगा, उसके बाद 20 भी मारेगा, फिर उसके बाद वो 30 भी मार सकता है। इसका आंसर है कि ज्यादा सेंसिटिविटी का फायदा है और ज्यादा वेट उठाने का भी फायदा है, लेकिन वो फायदा आप लोगों को तभी देगा जब आप लोग उसको कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप लोगों से पहले 100 की सेंसिटिविटी कंट्रोल नहीं हो रही थी, किसी यूट्यूबर का देख के आप लोगों ने अपनी सेंसिटिविटी 180 कर दी है, तो शुरू शुरू तो बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन जब स्क्रीन कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, हेडशॉट कम लग रहे होंगे, गोली रिकॉइल कर रहा होगा, एम सर से ऊपर जा रहा होगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपनी सेंसिटिविटी ज्यादा ही बढ़ा दी। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि अगर आप लोगों से 100 सेंसिटिविटी कंट्रोल हो रही है, तब आप लोग अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। इसमें मैटर नहीं करता कि आपके फोन का रैम कितना है। देखो सच बताऊं तो सेंसिटिविटी फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से ये तरीका भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। मतलब पहले अपना जनरल को 95 रख के देखो कि आपका एम ऊपर जा रहा है कि नहीं, अगर नहीं जा रहा तो फिर 100 कर दो, और तब भी नहीं जा रहा तो फिर 115 कर दो, 110 कर दो, और अगर 120 करने के बाद आपका एम ज्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम कर देना। इस तरीके से भी आप लोग अपनी सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं ये वाली न्यू जो सेंसिटिविटी आई है 200 वाली, ये किनको ज्यादा फायदा प्रदान करेगी, लो एंड डिवाइस वालों को या फिर हाई एंड डिवाइस वालों को? देखो अगर एक्चुअल में टेक्निकली देखा जाए, 2-3 GB रैम प्लेयर्स के लिए बैड न्यूज है। अब वो इसलिए, अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस का फोन है जो कि 2-3 GB रैम वाला है, अगर आप लोग उस वाले डिवाइस में अपना सेंसिटिविटी 200 करोगे, तो आपका फोन गंदा वाला लैग मारेगा। क्यों मारेगा? अब देखो आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर आप लोग डीपीआई बढ़ाते हो 2 से 3 GB रैम वाले फोन में, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन डीपीआई बढ़ाने की वजह से आपका फोन भी लैग होने लग जाता है। 2-3 GB रैम वाले डिवाइस में डीपीआई बढ़ाने से लैग इतना क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एक बार स्क्रीन घुमाने से आपका फोन कितनी बार रोटेट होता है, उसको फ्रेम का प्रोसेस होना बोला जाता है, और सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ने से फ्रेम्स ज्यादा प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का स्क्रीन ज्यादा रोटेट होता है। अगर किसी लो एंड डिवाइस में हम लोग ज्यादा प्रेशर डालेंगे, जो कि उसकी सहन शक्ति उतनी है नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि वो फोन भी लैग करेगा। अभी मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों, अभी सेंसिटिविटी के आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब तो 2-3 GB रैम वालों का चांदी चांदी हो गया, क्योंकि 2-3 GB रैम वाले प्लेयर हमेशा रोते रहते थे कि मेरी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, डिवाइस अच्छा नहीं है, तो सेंसिटिविटी बढ़ गई तो अब मेरे ज्यादा हेडशॉट्स लगेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, ये संभव है? और अगर आप लोगों के पास 2 GB रैम वाला फोन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों के फोन में लैग हो रहा है कि नहीं 200 सेंसिटिविटी करने के बाद। बात करते हैं क्या इससे हाई एंड डिवाइस वालों को फायदा पहुंचेगा। मेरा मानना है कि इतना कुछ खास भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाई एंड डिवाइस वालों की सेंसिटिविटी ऑलरेडी पहले से अच्छी ही होती है। इससे एक फायदा पहुंचेगा कि आप लोग अपनी स्क्रीन को बहुत ज्यादा रोटेट कर पाओगे, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखा पाओगे, मतलब ठीक जैसे एक पीसी प्लेयर दिखाता है किसी को हेडशॉट मारने के बाद। अब बात करते हैं कि अपडेट के बाद आप लोगों को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करनी है। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप लोगों को ये वाली
वीडियो देखनी है मेरी। इस वाली वीडियो में मैंने ये प्रूफ किया था कि आप लोगों को वन टैप हेडशॉट मारने के लिए सिर्फ एक सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। वही एक सेंसिटिविटी तय करती है कि आप लोग के हेडशॉट्स लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे, जो कि है आपकी वन एंड ओनली जनरल सेंसिटिविटी। तो हम लोग बात भी इसी सेंसिटिविटी करेंगे, जनरल को आप लोगों को कितना रखना है। देखो, अगर आप लोगों के पास 2 से 4 GB रैम का फोन है तो आप लोगों को अपना DPI 25 से लेकर 50 तक बढ़ाना है और जनरल सेंसिटिविटी को 145 रखना। अगर रैम ऊपर जाने लग जाए तो आप लोग 140 रख सकते हो, देखना आपके काफी ज्यादा अच्छे हेडशॉट्स लगने लग जाएंगे। अब बात करते हैं 6 से लेकर 8 GB रैम वाले फोन प्लेयर्स के। देखो, आप लोगों को अपना DPI 100 से लेकर 160 के बीच में रखना और जनरल सेंसिटिविटी को 130 से ज्यादा बिल्कुल भी मत रखना। देखना पे काफी ज्यादा अच्छे रेड नंबर्स लगने लग जाएंगे। अब बात करते हैं हाई एंड डिवाइस वालों, उनके लिए जिनका रैम 12 से लेकर 16 GB तक। देखो, आप लोगों को अपना DPI 170 से लेकर 180 के बीच में रखना और अपनी जनरल सेंसिटिविटी 125 रखना। अगर फोन के फॉन्ट्स बहुत ज्यादा ही छोटे हो जाए तो DPI थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, बट 160 से कम बिल्कुल भी मत रखना। देखना आपके भी काफी ज्यादा रेड नंबर्स चिपकने लग जाएंगे। अगर आप लोगों को DPI के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जो मैंने सेंसिटिविटी बताई है हर एक एंड्रॉइड फोन में वर्क करेगी, चाहे आपका फोन MI का हो, पोको का हो, वीवो का हो, IQ का हो, मैक्रोमैक्स का हो, लिनोवो का हो, कोई सा भी ब्रांड का हो, सभी एंड्रॉइड डिवाइस में वर्क करेगी। और हाँ, आप लोग बहुत ज्यादा ही कमेंट करते हो कि आईफोन के लिए भी एक सेंसिटिविटी बता। तो देखो, एंड्रॉइड के मुकाबले आईफोन की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। देखो, मैं आपको आईफोन 11, 12 और 13 की सेंसिटिविटी बताता हूं। आईफोन 11 में आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी 90 रखनी और आईफोन 12 में 85 और आईफोन 13 में 70। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपना सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय